वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए स्पेशल एक वीडियो देखें आ रहे हैं। सेकंड ग्रेड की सेकंड पारी के अंदर जो पेपर हुआ था ग्रुप बी का, फर्स्ट पेपर का, उसकी चर्चा हम करेंगे। आज किस प्रकार के राजस्थान जीके के और करंट के प्रश्न आए। वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31 मार्च 2022 तक कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 32,864.62 किलोमीटर। एक ये प्रश्न आया। उसके बाद में राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले कौन से, ये पूछा गया था, तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। फिर देखो, एक भौतिक प्रदेश से क्वेश्चन आया कि निम्न में इस कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन किए। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, अवरोही बालुका स्तूप पुष्कर जिले में मिलते हैं, जोधपुर जिला बालुका स्तूप मुक्त जिला है। तो तीन नंबर तो इसका सीधा सीधा है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जोधपुर जिले में बालुका स्तूप पाए जाते हैं, हर प्रकार के पाए जाते हैं, तो मुक्त हो ही नहीं सकता। तो सी वाले सारे काट के एक नंबर कर दो। उसके बाद मेवात व डांग क्षेत्र निम्न में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, यानी अलवर, भरतपुर, CWG के अंदर सम्मिलित है। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है, तो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलती है, तो मोरेने सिरोही के कुछ क्षेत्रों में, तो सिरोही के कुछ क्षेत्रों में तो पश्चिमी बनास जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे कम जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। और उसके बाद देखिए, एक मिलाने वाले नस्लों से पूछा गया था, भेड़ गोवंश, भेड़ की कौन सी है नाली, गोवंश की कौन सी है सांचौरी, भैंस की है सूरती और बकरी की है बरबरी। अब मिला लेना इसका, एक का दो हो जाएगा और दो का चार हो जाएगा, सी तीन का एक और चार का चार। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है, तो सीधी सी बात है उत्तर आ जाएगा जयपुर। कोलवी, कंदरा, बौद्ध गुफाएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है, तो बौद्ध झालावाड़ केंद्र, चांदखेड़ी दोनों। पुरातात्विक नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया था और यहाँ भी आ गया, किस सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है, बेराट से संबंधित है। गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार से संबंधित है, तो ककुक से, राजा ककुक से। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, अजयराज। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालक्रम क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंभौर को जीता, दो नंबर आएगा, फिर चित्तौड़ को 1303 में जीता, एक नंबर आएगा, फिर शिवाना को 1308 में जीता, चार नंबर आएगा। तो दो, सबसे पहले देखो दो, दो के बाद एक, एक के बाद चार आना चाहिए। अब यहाँ क्या कर रखा है इसने, तो चार लास्ट आना चाहिए जालौर, तो लास्ट तो ये आ गया एक दो, इसने उल्टा कर रखा है, इस पर्सन में मिस्टेक है भाई, क्योंकि सबसे पहले रणथंभौर 1301, दो नंबर आना चाहिए, ठीक है, दो नंबर आना ही चाहिए, फिर चित्तौड़गढ़ 1303, एक नंबर आना चाहिए, तो दो एक, फिर शिवाना दुर्ग को जीता, फिर आएगा जालौर दुर्ग। अब ऑप्शन इसमें है नहीं, तो अब इसमें ये हो सकता है, अगर उल्टा सीधा इसको माना है तो इसने ये मान सकता है, क्योंकि जालौर का 1311 में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है, तो कोटा और जयपुर में, क्योंकि 76 कुछ कोटा में है और उसके बाद में जयपुर में। किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, गणेश्वर को। गिलंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है, तो आहाड़ सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो स्थापना तो मणिक्यलाल वर्मा ने की थी, अगर किसकी अध्यक्षता में बात करें तो बलवंत सिंह मेहता। मेव कृषक आंदोलन का नेता कौन था, ये प्रश्न देखो बहुत बार मैंने करवाया, RBSC की बुक में आया हुआ है, यासीन खान। मेव किसान कृषक का था यासीन खान, और ये 6 से 12 की जो बुक है ना, मैंने वन लाइनर निकाल रखी है, RPSC तो उसी में से प्रश्न उठाती है, ठीक है, RBSC बुक 6 से 12 की छोटी सी बुक है, आगे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत रामबाण साबित हुई, मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी बुक है, ऑनलाइन बाजार में ऑफलाइन 60 रुपये की है, अगर ऑनलाइन लेना चाहते हो तो 90 रुपये की पड़ती है, तो 8580-22001 इस नंबर पे पे कर देना 90 रुपये, और स्क्रीनशॉट डाल देना और अपना एड्रेस लिखा देना, ऑनलाइन आपके डाक के माध्यम से आपके घर पहुंच जाएगी। तो ये बुक 6 से 12 की बड़ी शानदार है, बाकी करंट तो बुक आप देख ही चुके हो। खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था, सलंदीत तंवर ने। निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी, तो किसने की थी, सावर्स ने, इसने कहा था ना कि
तांत्या टोपे को फांसी देना कि किस रूप में उसको फांसी दी गई, उस सजा के लिए उसने क्या गुनाह किया था और इसके जिम्मेदार कौन थे, ये बात कही थी। अब देखो कितना बड़ा प्रश्न, हमने भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, किंतु केसरी सिंह भारत का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान के लिए भेज दिया। यह कथन किसका है, यह कथन है किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जहां तक है भी इसका उत्तर तो देखो काफी गहरा इस प्रश्न है, रास बिहारी बोस होगा। इमन में से कौन सा मंदिर मंदिर स्थापत्य कला की महामारू शैली का है? तो नागदा का सास बहु का मंदिर है वो उदयपुर के पास, वो महामारू गुर्जर प्रत्यार शैली का है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, समधीश्वर मंदिर चित्तौड़ के स्थित किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, तो नागदा के सास बहु मंदिर का उत्तर होना चाहिए सही। काफ़ी गहराई से ऑप्शन दे रखे हैं भी, क्योंकि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है ये अंतिम बना था, गुर्जर प्रत्यार शैली में ये भी था। अब इसका उत्तर क्या माने? कलाकार निहालचंद, तो निहालचंद तो किशनगढ़ शैली के हैं। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावन तीज से होती है, अंत किससे होता है? गणगौर से। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? पूर्ण पूछे तो 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि दो चरणों में मिला था ना, 26 जनवरी 1950 को और दूसरा चरण अबू तेलवाड़ा 1 नवंबर 1956 को मिले। फिर तिलवाड़ा का मेला किस लोक देवा की स्मृति में भरता है? मल्लीनाथ जी चैत्रमा में। बीकानेर के निकट समराथल को किससे अपना कर्मस्थल बनाया था? जाम्बो जी ने, जहाँ समराथल बीकानेर के अंदर। और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया? 7वां संविधान संशोधन। ऐसा ही सेम प्रश्न पहली पारी में भी आया था। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों द्वारा, इसमें कोई नहीं, राष्ट्रपति द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा, यानी अध्यादेश की मंजूरी कौन देता है? लास्ट में मंजूरी देती है राज्य मंत्रिपरिषद। प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी, सिर्फ मंजूरी पूछे तो राज्य मंत्रिपरिषद पारित, फिर वो विधानमंडल में होता है। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 3-4 बार राष्ट्रपति आपातकाल लगा था, उस समय एक में भैरव सिंह शेखावत थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का है, ऊपर वाला थोड़ा सा देखना भी, आपातकाल के दौरान, अब देखो राजस्थान में आपातकाल 4 बार लगा था, एक में पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया थे, फिर हरिदेव जोशी थे, और 2 बार भैरव सिंह शेखावत थे। अब हो सकता है इसका उत्तर पहली बार पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया है। उसके बाद में मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था, खंगा मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था वस्त्र, सिर का पहनावा, जूता या आभूषण। तो ये एक प्रकार का क्या था? एक प्रकार का आभूषण, वस्त्र या पगड़ी क्या था? तो एक पगड़ी तो ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन है सिर का पहनावा पगड़ी, ऑप्शन है आभूषण ऑप्शन है, तो ये एक प्रकार की क्या है? पगड़ी। गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? भीलों से है। और अहिरवाटी बोली जाती है मेवात में, खास करके अलवर क्षेत्र में। और निम्न में से राजस्थान के मुख्य सचिव जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी, तो जब सत्ता में आई थी उस समय देवेंद्र भूषण गुप्ता थे। कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में सही कथन बताइए। देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आ गया, बिल्कुल। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, ये भी सही है। जयपुर जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवाएं 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए, तीनों ही सही है, देख लो इंपॉर्टेंट है। और एक इसके अंदर तीनों ही थी तो समाप्त हो गए, तीनों ही आ गए, तो उत्तर आ जाएगा ए बी सी। और ये पूरा मैंने आरपीएससी का सेम आपको पढ़ाया था, अगर आपने आरपीएससी वाला वीडियो देखा है। कौन सा राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? राजस्थान सरकार द्वारा आयोग के गठन की सूचना 1999 को, ये भी सही है। और यह आयोग मार्च 2000 से कार्यशील है, वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य, अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य, आयोग स्वायत्त संस्थानीय ये है। फिर राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ? राम राज्य परिषद। अगर ये प्रश्न मेरे साथ आप लगातार जुड़े हो तो ऐसे प्रश्न मैं सब करवा रहा हूँ। नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, इस टेस्ट सीरीज में जो नीचे तथ्य में ये सारे मैंने डाले हैं कि राम राज्य परिषद को कितनी सीटें आई थी, कौन पहले उपचुनाव में जीता था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है आर एस प्रीर, ये सारी टेस्ट सीरीज इसने ले रखी है। उसके बाद में हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो ये नीरज डांगी। वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है? 13। अब ये प्रश्न तो शायद ही करंट के आपके गलत होंगे। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? अब इस प्रश्न को भाई क्या माने पता नहीं है, 343, 342, 340, 341, ऑफिशियल साइट ही बता सकती है, बाकी कोई नहीं बता सकता।
ग्यारहवीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार, 67, 77, 80 और 93। अब देखो ऑप्शन पास पास में नहीं हो कहीं, देखो बड़ा है ये उत्तर आएगा 3 नंबर, 1967, 77, 80 और 92 हो रहा है, ये 93 नहीं है, 92 में लगा था 3 नंबर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अब योजनाओं से प्रश्न तो जरूरत ही नहीं आपको बताने की। 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख थी, बिल्कुल। इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना को 1 मई 2021 से शुरू किया गया, ये सही है। प्रत्येक परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है, ये भी सही है। गलत बताना है, देखो 1 मई 2022 से स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख थी, बिल्कुल सही है, तो 2 नंबर इसका गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा अधिकतम 40,000, ये भी सही है। पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है उसे योजना के प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 प्रतिमाह देना होगा, प्रीमियम देना होगा, ये भी सही है। इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ की अपेक्षा है और राज्य में वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना के व्यय के लिए 750 करोड़ का व्यय किया गया है, ये भी देखो, ये भी गहराई से प्रश्न है, सही नहीं है। अब प्रीमियम 500 रुपये प्रति फिक्स नहीं है तो ये इसका उत्तर हो सकता है, ये नहर का, क्योंकि पहला तो सही है, इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 रुपये है, ये सही है। जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली, ये तो 3-4 दिन पहले ही उत्तर बताया था मैंने, जेमी एक्सेलेंस पुरस्कार दिया गया था, 3-4 दिन पहले की चर्चा है जिसने अगर देखा है तो। ये थे आज की राजस्थान जीके की और करंट के क्वेश्चन किस प्रकार के आए, अब निरंतर अध्ययन करें। सुबह रोज 8 बजे क्लास आती है नानक क्लासेस पर राजस्थान करंट की और 6 बजे रोज प्रताप क्लासेस पर इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास आती है और दोनों ही नानक क्लासेज के ऐप है, उसमें टेस्ट सीरीज चल रही है, निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।